Good morning, students. In this week, we were studying about the salient features of Indian Constitution. Today, we are going to finish this chapter. The remaining five features we are going to discuss today. Without wasting time, we start that special provisions. Yesterday, we just ended up with single citizenship. Today, we are starting with special provisions. Special provisions for the protection of the interests of scheduled caste, scheduled tribes, backward classes, and minorities. Under Article 29 and 40, special provisions were made for the interest and protection of minorities. अब आप देखेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा disparities थी caste की वजह से. लोअर कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके थे, लोग हो चुके थे, टाइम्स जो थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी. और एक देश का डेवलपमेंट, एक कंट्री का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके सारे लोगों का डेवलपमेंट ना हो. तो इन बात को कैसे करें, उनको कैसे डेवलप किया जाए, इनके लिए क्या किया जाए, तो हमारे यहाँ स्पेशल प्रोविजन रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और माइनॉरिटीज के लिए. इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया और कुछ फैसिलिटीज दी गई, जिससे कि ये लोग भी कॉमन पीपल के साथ आ सके. आर्टिकल 29 और 30 में ये स्पेशल प्रोविजन्स दिए गए. नेशनल कमीशन, इसके लिए क्या किया गया, शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया. 1668 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाया गया 1919 में. उसके अंदर नेशनल कमीशन अपॉइंट किया गया शेड्यूल कास्ट के लिए और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. इन 2002 द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेपरेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. सबसे पहले 1919 में 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक नेशनल कमीशन अपॉइंट किया गया शेड्यूल कास्ट के लिए. फर्दर 2002 में गवर्नमेंट ने दो कमीशन बनाए, दो सेपरेट कमीशन बनाए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स. अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नेक्स्ट फीचर जो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से बात करना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, जो पंचायत से हैं दे कम इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उन्होंने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, 68. उसके अंदर उनको स्पेशल स्टेटस मिला था और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेटस का मिला 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो 1993 में पास हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन वाज ग्रांटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द विलेज एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन द सिटीज. व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज इन द सिटीज, नगर परिषद, नगर निगम दैट इज म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. And for this purpose, at village level, panchayats, and at city level, what are they? That they are Nagar Parishad or municipalities or Nagar Nigam in metro cities, that is municipal corporations. And for this purpose, part 9 and part 9A and 11th and 12th schedules were added to the constitution. Means ye itna important hissa tha ki iske liye hamara शेड्यूल्स एड किए गए पार्ट 9 और पार्ट 9A के साथ 11th और 12th शेड्यूल को एड किया गया. सो दिस वाज ऑल टिल नाउ. वी हैव स्टडीड द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इससे हमें पता लग रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना यूनिक है. इट इज रिटन, इट इज द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. It is having various unique features, that is, India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. India is having single citizenship. We are given special status for the scheduled caste, scheduled tribes, backward caste, and minorities. And the last, what we are given, we are just giving special recognition to local self-government because local self-government play important role
Thank you.